ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। वो कहते हैं ना, चिड़िया चाहे कितनी भी उड़ान भर ले, दाना चुगने तो जमीन पर आना ही होगा। अब बांग्लादेश के इस वक्त के हालातों पर ये कहावत बिल्कुल फिट बैठ रही, क्योंकि हवा में उड़ने वाले मोहम्मद यूनुस का जब दिमाग ठंडा हुआ तो भारत की ओर वापस झुकने का समय आ गया। दरअसल बांग्लादेश में सत्ता बदलने और मोहम्मद यूनुस की सरकार बनने के बाद से ही वहाँ हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे। एक वक्त था जब भारत बांग्लादेश के रिश्ते मधुर थे, लेकिन शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद इन रिश्तों में कड़वाहट आ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का समर्थन भी यूनुस को मिला, जिससे भारत के साथ उनकी दूरी बढ़ती गई। लेकिन हाल ही में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी ने मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें बढ़ा दी। शेख हसीना जो इस वक्त भारत में है, सक्रिय होकर वापस बांग्लादेश में अपनी सरकार लाने के प्रयास कर रही है। उन्होंने ट्रंप से बातचीत की, जिसमें ट्रंप ने शेख हसीना को बांग्लादेश की असली नेता मानने की बात कही। इस एक कॉल ने बांग्लादेश में भूचाल मचा दिया। बांग्लादेश अब व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत का सहारा लेने की योजना बना रहा है। बांग्लादेशी अधिकारियों ने भारत के साथ मिलकर लैंड पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाई जा सके। लेकिन यूनुस सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि वो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को संभाले, जो पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। बांग्लादेश को भारत के बकाए बिजली बिलों में करीब $8 बिलियन का भुगतान करना है, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था पर और भी दबाव बन गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत में शेख हसीना समर्थकों ने यूनुस सरकार के खिलाफ 800 पन्नों की शिकायत भेजी है, और अब सब कुछ शेख हसीना के पक्ष में जाता दिख रहा तो वे फिर से बांग्लादेश में सत्ता में लौट सकती हैं। भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर बांग्लादेश अपने आर्थिक संकट को कुछ हद तक संभाल सकता है, और शायद यही बात यूनुस सरकार को अब समझ में आ रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। भारत से अनाज, चीनी और बिजली जैसी जरूरी चीजें आयात करने वाली बांग्लादेश सरकार को भारत से नाराजगी मोल लेना आसान नहीं है। प्रोफेसर यूनुस इस मुद्दे को बांग्लादेश की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का सवाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि उनके पास सीमित विकल्प बचे हैं। एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि शेख हसीना भारत में रहते हुए बांग्लादेश की राजनीति में अपना खेल जारी रखे हुए हैं। भारत का समर्थन पाकर उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब हर ओर से घिरी हुई महसूस कर रही, क्योंकि उनके पास न तो खुद को वैध ठहराने का पूरा आधार है, न ही शेख हसीना खिलाफ कानूनी कदम उठाने की पूरी शक्ति। खैर कुछ भी हो, ये था बांग्लादेश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और भारत के साथ बदलते संबंधों पर चर्चा। अब आपका क्या कुछ कहना है? क्या भारत के सामने बांग्लादेश की अकड़ ढीली पड़ चुकी है, और क्या भारत को बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए? हाँ या ना में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।